एलेट्रॉन। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसे जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसे जाना। हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो बेबी। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में मैं तुम लोग को टॉप 3 बेस्ट जो प्रीक्वल के फिल्टर है वो तुम लोग को बताने वाला हूँ। कैसे मैं यूज़ करूँगा, कैसे मैं उसके अंदर फिल्टर ऐड करूँगा और कैसे मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा। और ये तीनों फिल्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये फिल्टर को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है और काफ़ी अमेजिंग रिस्पॉन्स है। तुम लोग को भी मैं बताऊँगा कि तुम लोग भी कैसे अपने वीडियो में ये तीनों फिल्टर यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो। और हाँ, तुम लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो गाइस। तुम लोग बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोज़ देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। तुम लोग थोड़ा मेरे को मोटिवेट करो ताकि मैं और ऐसे अमेजिंग वीडियो लेके आते रहो तुम लोगों के लिए। तो बस स्टार्ट से लास्ट तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अभी आते हैं गाइज आप उन पहले फिल्टर के ऊपर जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसा मैं वो फिल्टर ऐड करूंगा। तुम लोग कोई भी एक तुम लोग का क्लिप लेना है, जैसे कि मैं ये लिया हूँ। अब यहाँ पे तुम लोगों को पहले फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पे जाके इंडिकेटर आधा देख रहा होगा, ये तुम लोग को ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे तुम लोग को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तुम लोग साइड पे रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद तुम लोग को ऊपर वाले इफेक्ट पे क्लिक करके तुम लोग को यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रॉल करो, तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि वो फिल्टर तुम लोग कहाँ मिलेगा। तुम लोग ने अगर नहीं ट्राई किया रहेगा तो अब तुम लोग ट्राई करना मेरी वीडियो देखे, क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछते हैं भाई कि वो स्काई वाला इफेक्ट तू कैसा लगाता है। तो मैं तुम लोग को बताऊँगा कि स्काई वाला इफेक्ट एग्जैक्टली मैं कहाँ से लेता हूँ, वो फिल्टर का नाम क्या है। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ये फिल्टर, हाँ ये वाला फिल्टर, तो ये वाला तुम लोग देख सकते हो। इसके दो ऑप्शन है, तो मैं पहले वाले को रखूँगा। उसके बाद अपन जाएंगे इसके कलर ग्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग ज़्यादा हाई भी कर सकते हो और लो भी कर सकते हो। तुम लोग को जैसा भी शेडो चाहिए, जैसा भी शाइनिंग चाहिए। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल रखूँगा 60 तक, ताकि मेरे को अच्छा दिखे। ये कुछ ज़्यादा हो गया, 60 के अंदर ही रखूँगा। यस, ये देखो काफ़ी ज़्यादा तुम लोग को अमेजिंग बनाता है। इसका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, जिससे ना काफ़ी अलग ही वाइब आ रहा है वीडियो में। अब तुम लोग को दिखाता हूँ मैं स्केल डाउन करके। थोड़ा अपन स्केल डाउन करेंगे और फिल्टर थोड़ा अपन कम करेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये देखो पहले वीडियो कैसी थी और अब वीडियो ये कैसी दिख रही है, मतलब काफ़ी अमेजिंग हो गई है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट फिल्टर, ये भी तुम लोग जाके चेक कर सकते हो, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं अपन सेकंड वाले के ऊपर। पहले मैं तुम लोग को दिखा दूँ कि ये वीडियो दिख रही कैसी है। जो तुम लोग देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये क्लिप, मतलब मुझे तो बहुत सही लगा। अब आते हैं अपन सेकंड वाले के ऊपर, तुम लोग को बताऊँगा सेकंड वाला कौन सा। सो गाइज, अभी आते हैं अपन सेकंड वाले क्लिप पे। इसमें मैं तुम लोग को सेम फिल्टर ऐड करके दिखाता हूँ कि तुम लोग को कैसा और अमेजिंग लगेगा। तो मैं लेता हूँ ये वाला क्लिप जो कि मैंने शूट किया था, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को दिया था। काफ़ी अमेजिंग ये क्लिप लगा था मेरे को। तो सेम चीज़ करने का, इंडिकेट पे जाना है, 60 और 70 पे अपना जो भी है वो कलर ग्रेडिंग करना है। उसके बाद आते हैं अपन फर्स्ट वाले इसके ऊपर। स्क्रॉल करना है, 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 स्क्रॉल करते रहना है। उसके बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे वो फिल्टर है, यहाँ पे क्लिक करो तो ये देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट बनाता है क्लिप को। तुम लोग देख सकते हो पीछे का जो भी, आगे का जो भी बैकग्राउंड है वो कितना हाईलाइट हो रहा है। तो तुम लोग को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग नॉर्मल रखो, 60-70 पे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये देख सकते हो। अब आते हैं आप उन सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड वाला तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो कलर ग्रेडिंग करने के लिए। ये वाला भी कलर थोड़ा चेंजेस है, तो दोनों डिफरेंट है। तुम लोग जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, तुम लोग का दोनों डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये था वो फिल्टर, बट मैं ये वाला रखूँगा क्योंकि ये वाला काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। अब मैं इसको कर लूँगा सेव। अब तुम लोग को दिखाता हूँ इसका एक्चुअल क्लिप आया है कैसा। तो ये हो गया सेम फिल्टर का दो क्लिप। अब मैं तुम लोग को बताऊँगा सेकेंड वाला फिल्टर जो कि इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है, वो तुम लोग को मैं आगे की वीडियो में दिखाऊँगा। सो गाइज, ये है वो वीडियो जो अपनी थर्ड वीडियो है। अब तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन सा तुम लोगों को फ़िल्टर ऐड करना है। तुम लोगों को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाना है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। यहाँ पे दिखा क्यूब, ये क्यूब वाला तुम लोगों को ऑप्शन लेना है और उसके वो तुम लोगों को सेकंड वाला क्लिक करना है। ओके, सेकंड वाला क्लिक किया, अब फर्स्ट वाले पोजीशन पे जाओ और तुम लोगों को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। वेट, तुम लोग को दिख रहा है भाई प्रिज्मा, ये प्रिज्मा पे तुम लोग क्लिक करो। तो तुम लोग को फर्स्ट वाला नहीं लेना है, ये सेकंड वाला लेना है। और तुम लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा शेडो इफेक्ट तुम लोग कैसा डाल देगा, क्योंकि बहुत लोग ने मेरे को इसके बारे में पूछा था। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं फिल्टर थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ जिससे सारा शेडो और ना मतलब अट्रैक्टिव दिखेगा और हाईलाइट होकर आएगा। तो ये वाला मेरे को काफ़ी लोग ने पूछा था कि तुम लोग भाई शेडो वाला कैसा लगाते हो। तो ये था वो शेडो वाला। ओके, आई होप तुम लोग को मज़ा आ रहेगा देखने में, मुझे भी मज़ा आया तुम लोग के साथ बातचीत और ऐसी टाइप्स की वीडियो बनाने में। सो तुम लोग को ज़रा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। और हाँ, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो, जिन लोगों को भी ऐसे अमेजिंग टाइप के फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, तुम उन लोगों को समझना है तो तुम लोग अभी के अभी मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उन लोग को। ओके।
और नए हो तो तुम लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। तुम लोग कुछ भी कमेंट करना है नए वीडियो के टॉपिक के ऊपर, कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो वो टॉपिक पे लाऊंगा। तब तक के लिए टेक।